तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में रेंज का पार्ट। जी हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में शीट तक पढ़ा था। हमने जब वीवीए के प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने बताया था कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर कहिए कि एक्सेल की तरह नाउन, जो नाउन पर नाउन होता है उस तरह चार होते हैं। पहला था हमारा एप्लीकेशन, दूसरा था हमारा वर्क बुक्स, और तीसरा था हमारा शीट्स, और चौथा है हमारा रेंज। तो हम चौथे पे बात कर रहे हैं। हमने शीट्स को पढ़ लिया, वर्कबुक को पढ़ लिया, और एप्लीकेशन को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं रेंज के ऊपर। रेंज एक्सेल में इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? कि एक्सेल के होने वाले मोस्टली इवेंट रेंज पे ही किए जाते हैं। रेंज इन द सेंस सेल A1 B1 C1, इसको VVA में रेंज कहा जाता है। तो जो रेंज है, वो रेंज जो है मोस्टली यूज होता है। आपको चार्ट बनाना ही है, आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एवरीथिंग डू विद द रेंज। सो रेंज के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात जानते हैं रेंज की कॉलिंग मेथड, क्योंकि हमने बताया था कॉलिंग मेथड जिससे हम अपनी स्टार्ट करते थे वर्कबुक का था, वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक एक था, दूसरा था शीट्स, शीट्स का था हमारा शीट्स और एक्टिव शीट। उसी तरह से रेंज का भी, रेंज का जो रेंज है सेल है, सिलेक्शन है और एक्टिव सेल है, ये है हमारा। कोई एक्टिव भी होना चाहिए यहाँ पे, एक्टिव सेल है। तो रेंज इसमें हो गया। तो फिर रेंज का क्या है? तो जैसे कि मुझे A1 पे कर्सर रखना, ध्यान से देखिएगा, मुझे A1 पे अपना कर्सर रखना है। तो हम कोड लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिवेट, कुछ भी कर सकते हैं। सेलेक्ट मोर देन वन सेल होता है और एक्टिवेट सिंगल सेल होता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है कि सेल 1,1 डॉट सेलेक्ट, 1,1 डॉट सेलेक्ट, दूसरा तरीका भी हमारे पास। तो रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट। सेल 1,1 में भी A1 ही सिलेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि 1,1 इट मींस रो 1 एंड कॉलम 1। तो अच्छा, बी होता तो हम 2,1 करते तो B1 आ जाता। जी हाँ, ओके। टू बी वन के लिए भी 1,2 होता है। फर्स्ट इज द रेंज, सेकेंड इज द कॉलम, मतलब ये हो गया रो, अच्छा, गया कॉलम। और कॉलम। ओके, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ एक्टिव सीट का करेगा। मान लीजिए मुझे अगर सीट A1 पे कर्सर ले जाना है और मुझे ये नहीं पता कि मैं फिलहाल हूं कहां, क्योंकि अगर आपने रेंज A1 को बस कर दिया तो जो एक्टिव होगा, चाहे सीट 1 हो चाहे सीट 2, उसके A1 पे चला जाएगा। बट आई वॉन्ट टू गो टू द रेंज 2 A1, C2 A1, सॉरी। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला एक नहीं, दो नहीं, एक ही तरीका है, सॉरी, शीट्स, और यहां भी C2 करेंगे हम, डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। अब यहां पे सीट की जो कॉलिंग मेथड है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगी कि सीट की प्रॉपर्टी नेम ले, कैप्शन नेम ले, या सीक्वेंस नंबर ले, वो अपने सिचुएशन पे डिसाइड कर सकते हैं। हेलो, तो सीट सेलेक्ट देन रेंज A1 डॉट, तो ये दोनों कोड इकट्ठा लिखना पड़ेगा। लेकिन ये भी सिर्फ एक्टिव वर्कबुक में होगा, ध्यान रखिएगा, एक्टिव वर्कबुक में। तो
आपको किसी और फाइल से बुक टू है, बुक थ्री है, उस पे जाना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे वर्क बुक और यहां पे देना होगा बुक टू डॉट xlsx/m जो भी एक्सटेंशन है डॉट एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट क्या करेगा, जैसे दो फाइल खुली होती है एक से दूसरे पे जंप करते हैं ना हम, तो बुक टू पे जंप करेगा फिर शीट थी टू पे जाएगा देन ए वन को सिलेक्ट करेगा। क्लियर है सर? आपने एक्टिवेट और सिलेक्ट का डिफरेंस बताया था, जैसे आप कह रहे हैं ना एक्टिवेट भी कर लिख सकते हैं सिलेक्ट भी, रेंज के लिए होता है सर। हाँ रेंज के लिए कह रहा हूँ मैं सर। सिलेक्ट मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर वन एंड मोर देन वन से। अच्छा ठीक है, एक्टिवेट इज अ सिंगल से, जैसे सीट एक्टिवेट तो एक एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं फिर भी हमारा एक सिंगल सेल एक्टिवेट होता है, जैसे डीडू यहाँ एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट उसको डूडल करता है। अब यहाँ पे बुक टू आपका ओपन होना चाहिए, अगर बुक टू आपका ओपन नहीं है तो एक्टिवेट का कोड मत डालिए, फिर आप डालेंगे क्या डालेंगे, बुक टू डॉट ओपन एंड उसका पाथ और एक्सटेंशन। एक्टिवेट कोड इसलिए डालेंगे क्योंकि जब फाइल ओपन होगी वही एक्टिवेट होगी, समझ गए? और जब जिस फाइल को आप ओपन करवा रहे हो जब सारा काम खत्म हो जाए देन वी क्लोज इट, तो यहां पे आप वर्कबुक का क्लोज का भी कोड डालेंगे जो बताया था आपको। तो रेंज को कॉल कर, अब रेंज से आगे जो सीट वाला प्रोसीजर है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा, ठीक है ना? तो यहां पे हम रेंज को रेंज ए वन और सेल्स 1,1 दो से डोनेट करते हैं। अब आती है इसमें सिलेक्शन होता है, अब जैसे कि हमें नहीं पता कि कितना एरिया है, हमें इतना पता है कि यूजर ने माइक्रो को रन करने से पहले या इस कोड से पहले एरिया को सिलेक्ट कर रखा है, तो दिस द सिलेक्शन। जैसे हमने एरिया सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई ना सर, तो आप कोड अगर या फिर मान लीजिए बोल्ड कर दिया है कलर कर दिया, तो कोड में आप देखेंगे कि सिलेक्शन डॉट बोल्ड मतलब यहां पे डिफाइन नहीं है पर्टिकुलर एरिया, वो डिपेंड करता है कि यूजर ने माइक्रो को रन करने से पहले क्या सिलेक्ट कर रखा है, समझ गए? दैट इज अ सिलेक्शन। और एक्टिव सेल तो पता ही है कि जिसपे हमारा कर्सर है इज एक्टिव सेल। तो रेंज को कैसे डोनेट करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात करते हैं कि रेंज पे हम सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं, दो चीजें हैं, एक वैल्यू को टाइप करना और दूसरा डेटा को सेलेक्ट करना। हम वैल्यू टाइप करना सीखते हैं कि रेंज A1 पे मुझे अगर नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट नेम, नेम माफ कीजिए गलत हो गया, नेम डॉट वैल्यू होगा, वैल्यू इक्वल टू नेम। अब आप बोलेंगे सर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो पहले वो सिलेक्ट करता है क्या सर, देन एक्टिव सेल डॉट वैल्यू या फॉर्मूला डालता है। तो अगर इस कोड को रन करते हो तो जरूरी आपका कर्सर जहां पे वहीं पे रहेगा, बट यहां पे नेम टाइप हो जाएगा। आप चाहते हो कि मैं पहले कर्सर यहां पे रखूं देन नेम टाइप करूं, तो यहां पे आप दे सकते हैं कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 डॉट सिलेक्ट हो गया तो यहां पे A1 डॉट वैल्यू भी किया जा सकता है या फिर यहां पे किया जा सकता है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू या किया जा सकता है सिलेक्शन डॉट वैल्यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कर्सर कहीं भी कर्सर होगा उस कर्सर को A1 पे डालेगा देन यहां पे नेम को लिखेगा। तो जो नेम लिखा हुआ है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिया है क्योंकि टेक्स्ट है, अगर आपको नंबर लिखना हो तो फिर आपको
इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो किसी सेल पे वैल्यू लिखनी है, क्या रूल है हम आपको बताते हैं। आप एक तो तरीका हो गया रेंज डॉट वैल्यू, रेंज की जगह पर सिलेक्शन एक्टिव सेल कुछ भी ले सकते हो, आपकी सिचुएशन पर डिमांड है। रेंज ए वन डॉट, एक हो गया वैल्यू इक्वल टू जो भी जाना चाहते हैं, दूसरा है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए रेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वन इक्वल टू 15, या आप डायरेक्ट लिख दे कि रेंज ए वन डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल से करते, जैसे मैंने यहां पे 20 है, 25 है, मैं D1 की वैल्यू A1 पे डालना चाहता हूं, तो A1 रिसीवर है, D1 गिवर है, तो रिसीवर हमेशा पहले आएगा। तो यहां पे रिसीवर आएगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज D1 डॉट वैल्यू। तो अब हमने यहां पे वैल्यू दिया या फॉर्मूला दिया या कुछ भी नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पे फर्क पड़ता है कि हमने D1 डॉट वैल्यू दिया तो इसका जो 25 है 25 आएगा। अगर ये फॉर्मूला है कोई, जैसे कि यहां पे 25 प्लस 60 है तो 85, तो यहां पे 85 जस्ट नॉर्मल आएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को पिक किया है। लेकिन इसी में अगर हम डॉट फॉर्मूला करते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला ले लेगा, 60 प्लस 25 आएगा। ठीक है, अच्छा सर इसमें एक डाउट है, जैसे अगर D1 पे आपने फॉर्मूला में नंबर लिखा है 60 प्लस 25, अगर उसमें A1 प्लस B1 होता तो फिर वो यहाँ A1 पे भी A1 प्लस B1 लेता कि उसके हिसाब से रेंज शिफ्ट हो जाती है? नहीं नहीं, वही A1 प्लस D1 ही लेता है एग्जैक्ट, वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, जब कॉपी पेस्ट होगा तब इंक्रीज होगा। हाँ जैसे हम लोग मैनुअल कॉपी पेस्ट करते तो रेंज हिल जाती है ना, तो मुझे लगा शायद इसमें भी नहीं, इसमें नहीं हिलेगा। और सर एक जैसे आपने ऊपर वाले में लिखा है ना रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, तो ये डॉट फॉर्मूला क्या बता रहा है? आप यहां पे कर्सर रख के डायरेक्ट एंट्री कर दिए बराबर है, या फिर आपने ऊपर में क्लिक किया 25 कर दिया, बात बराबर है। हाँ क्या बोला कि आप अगर A6 पे मैंने कर्सर रखा और हमने 85 लिख के एंटर मार दिया, A6 पे कर्सर रखा, फॉर्मूला बार में जाके उसको एडिट किया और फॉर्मूला बार में जाके हमने 85 लिखा, बात बराबर है। अलग होगा जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पे इक्वल अगर 25 है एंड 630 है, राइट, तो हम टाइप क्या करें उससे कोई लेना देना नहीं उसको नहीं। लेकिन हम किसी सेल की वैल्यू किसी अनदर सेल पे डालते हैं, तो अगर आपने 55 किया तो इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देगा 55, अगर आपने फॉर्मूला किया तो इसकी फॉर्मूला को उठाएगा, फॉर्मूले को उठा के फिर फॉर्मूले को डालेगा यहां से यहां पे। तो इस साइड में क्या मतलब कि रिसीवर में वैल्यू है फॉर्मूला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिवर जो है उसमें फर्क पड़ता है कि उसमें आपने वैल्यू दिया तो वैल्यू आएगा, फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? अब ये आता है कि अगर सेम सीट हुआ अनदर सीट पे हुआ तो जब इससे पहले जो अनदर सीट का जो रेफरेंस दिया था उसका इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पे, सीट वन डॉट सेलेक्ट इसके बाद डॉट वैल्यू जो देना चाहे दे सकते हो। लेकिन आप बिना सीट पे गए भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज A1 वैल्यू डॉट यहां पर मैं 20 कर लेता हूं, 25 छोड़िए,
आप जो इसके ऊपर पहले सीट को एक्टिवेट कर ले, या फिर डायरेक्ट यहां पे लिख देखिए सीट्स, सीट टू डॉट रेंज, ये डायरेक्ट डाल देगा, मतलब सीट पे गए बगर, मतलब कि सीट पे यहां पे जाके यहां पे 25 नहीं डालेगा, वो गए बगर ही भेज देगा वैल्यू। बट सिलेक्शन आप नहीं कर सकते, सिलेक्शन के लिए आपको सीट पे जाना ही पड़ेगा, तो ये कर्सर मूवमेंट है, बट प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, अच्छा। कुछ वैल्यू डालने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। सीट पे ना सीट पे, अब मान लीजिए कि मुझे सीट वन की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे सीट में सीट थ्री की वैल्यू चाहिए, मैं सीट थ्री की A1 की वैल्यू लेता हूँ, देखिए मतलब मैं हूं सीट वन पे, सीट थ्री पे सीट टू की वैल्यू ले आया, मैं सीट टू और सीट थ्री पे गया भी नहीं, समझ गए? उस पर्टिकुलर फाइल है तो यहाँ पे आप आगे एक तो है तरीका ऊपर की वर्कबुक एक्टिवेट करें या ओपन करें, एक्टिवेट तो करना पड़ेगा, ओपन तो करना पड़ेगा, सॉरी एक्टिवेट करें या ना करें तो फर्क नहीं पड़ता है, डॉट ओपन बुक टू डॉट XLSX। लेकिन सिलेक्शन करने के लिए आपको वर्कबुक को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। क्या इसमें हमने डॉट ओपन नहीं लिखा वर्कबुक? नहीं, ये ओपन फिर आपको अलग करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, आप कहते ना एक्टिवेट करेंगे नहीं, बट बुक ओपन करना पड़ेगा। हाँ तो बुक अगर ओपन है तो, नहीं है तो यहाँ ओपन को डाल। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक ओपन नहीं होगा कोई भी इवेंट नहीं, या कुछ वैल्यू डालना हो। हाँ, वरना वो अगर ये नहीं लिखते तो एक्टिव वाली वर्कबुक में डाल देता, अब ये लिख दिया तो अगर वो ओपन है तो बुक टू में जाके ये कर देगा। जी हाँ, बुक टू को एक्टिवेट नहीं करेगा, एक्टिवेट आपका बुक जो बुक है बुक वन ही रहेगा। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गए? तो एक्सेल सीट पे कैसे डेटा डालेंगे समझ में आ गया आपको? क्लियर है? हाँ जी, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। अगर मुझे मान लो फॉर्मूला डालना है, देखिए फॉर्मूला के दो तरीके हैं, तीन है सॉरी, एक तो है एक तरीका है जो आप कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइनल डालें, जो हम आगे आपको बताएंगे, दूसरा होता है कि फॉर्मूला ही अप्लाई करना, जैसे कि मैं चाहता हूं 85 का 10% निकालना, 85 का 10% निकालना बी वन पे, तो एक तरीका यह है कि आप यहां पर रेंज बी वन डॉट वैल्यू है फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू रेंज ए वन डॉट वैल्यू का मान लीजिए 20% है, 0.20 परसेंटेज सिंबल वीवीएस ऐड नहीं करता है, डेसिमल लाना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा कि परसेंटेज कैलकुलेट करके यहां पे डाल दे। इससे दिक्कत क्या होगी कि एवरी टाइम आपको जब यहां वैल्यू चेंज करेंगे तो नीड टू रन द कोड, बट मैं चाहता हूं जैसे नॉर्मली हम फॉर्मूला लगाते हैं ना इसको मल्टीप्लाई बाय 20%, हम ये फॉर्मूला वीवी के थ्रू इसमें लगवाना चाहते हैं, वीवी के थ्रू ये फॉर्मूला यहां पे अपने आप लगा दे, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है कि डॉट वैल्यू और इन्वर्टेड कॉमा में सेम चीज डाल दे, अच्छा ये जाएगा इस पे डाल देगा इक्वल लगा हुआ, इस कारण से फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला एज वाला पार्ट है तो नॉर्मल है, पहले एक्सेल पे लगाइए और डॉट डाल दीजिए, लेकिन इस वैल्यू से पहले जो मल्टीप्लाई वगैरह किया था कैलकुलेशन का, वो थोड़ा सा टफ है जो कि आगे हम सिखाएंगे, ठीक है? तो अभी आप इस सारे कोड का इस्तेमाल करें, इसको एक एक कोड को एक एक करके देख लें, फिर हम कल जो है रेंज के ऊपर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले यूज करते हैं डेटा एंट्री, तो हम समझ में डेटा कैसे टाइप करेंगे, सेकेंड चीज आता है सिलेक्शन, क्योंकि हम डेटा टाइप कम करते हैं और टाइप की डेटा के ऊपर ज्यादा खेलते हैं, जैसे कि कॉपी करना, पेज करना, पिवट लगाना, फिल्टर लगाना वगैरह वगैरह, तो उसके लिए सिलेक्शन नीड होती है सिलेक्शन, तो हम आप बात करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में सिलेक्शन की।